पाकिस्तान में आम चुनावों के बाद नतीजे क्या आएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वहां किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये जानने के लिए सब इंतजार में हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प देखने को मिली थी। उम्मीदवारों और मतदाताओं द्वारा आरोप लगाए गए थे कि कुछ लोगों ने मतदान सामग्री छीनने और उसे नष्ट करने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान में जिस दिन आम चुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान कई मतदान केंद्रों पर झड़प की खबरें आईं। ऐसे में उम्मीदवारों और मतदाताओं द्वारा ये आरोप लगाए गए कि मतदान सामग्री छीनने और उसे नष्ट करने की कोशिश की। लोगों की इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान कराने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि दोबारा मतदान की बात ऐसे वक्त हो रही है जब देश में 8 फरवरी को हुए मतदान के लिए अभी वोटों की गिनती चल ही रही है। इसके लिए जियो खबर की न्यूज पर नजर डालें तो शीर्ष निर्वाचन निकाय ने 15 फरवरी को कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का ऐलान किया है। जिन मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी, अगर उनके नाम बताएं तो सबसे पहले नाम आता है खुशाब सेकंड का, फिर आता है घूट की फर्स्ट का और कोहाट का। इन जगहों पर मतदान के दौरान यहां भीड़ काफी आक्रोशित दिखी थी, जिसके बाद मतदान सामग्री जलाए जाने की भी खबरें सामने आई थी। तो वहीं पाकिस्तान में फाइनल नतीजों में काफी देर हो रही है, हर कोई इस देरी से परेशान है। कई पार्टियों ने नतीजे तय समय पर नहीं आने पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। उनको आशंका है कि इन नतीजों में गड़बड़ हो सकती है। और इस बीच इमरान खान को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों से संबंधित 12 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल गई है। इसके साथ ही जब पाकिस्तान चुनाव नतीजों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। हालांकि इसके बावजूद देखने वाली बात यह है कि नवाज शरीफ की पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वो सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों को चुनाव में सबसे ज्यादा जीत मिली है और इमरान खान की पार्टी सरकार बनाती नहीं दिख रही, पर नवाज शरीफ की पार्टी कम सीटों के बावजूद भी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। पाकिस्तान में हुए आम चुनावों के परिणाम को लेकर जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि वहां की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी या फिर गठबंधन करके कौन कौन सी पार्टी सरकार बनाएंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।